हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही लाजवाब सी रेसिपी, बटर चिकन। तो चलिए बनाते हैं। ये मैंने 1 किलो चिकन लिया है, इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसके अंदर मैं डालूँगी 100 ग्राम दही, धनिया पाउडर 1 चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्ची 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट ये है 2 चम्मच, ये है बटर चिकन का मसाला, इसमें ये डाल दूँगी 2 बड़े चम्मच भरकर, 1/2 लेमन, थोड़ी सी इसमें डालूंगी मैं कसूरी मेथी, अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें 1 चम्मच तेल डाल दूंगी, अब इसको मैं अच्छे से मिक्स करके और इसको 1 घंटे के लिए हम मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। इसके बाद अब हम इसकी ग्रेवी की तैयारी करते हैं। 4 यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ की प्याज काट ली है, ये है हरा धनिया लिया मैंने थोड़ा सा, 8 से 10 खड़ी लाल मिर्चें हैं और 10 से 15 काजू है, 5 से 6 हरी इलायची है और 1 चम्मच छोटा सा जीरा है, 4 से 5 लौंग है और 1 जावित्री है और 1 बड़ी इलायची है। यहाँ पे कढ़ाई ली है, उसमें मैंने 1 चम्मच तेल डाला है, अब उसके अंदर मैं डाल दूंगी हमारे खड़े गरम मसाले, इसको हम थोड़ा सा चटकने देंगे। और इसके अंदर मैं डाल दूंगी प्याज, प्याज को हम थोड़ा सा नरम कर लेंगे। इसमें मैंने 4 बड़े टमाटर लिए हैं, टमाटर डाल दूंगी, इसमें कोथमीर भी डाल दूंगी, काजू भी डाल देंगे, साबुत मिर्ची भी डाल दूंगी। अब इसको हमारे नरम होने तक का पकाना है, हमारे टमाटर और प्याज सॉफ्ट हो जाए जब तक कि हमको इसको पकाना है। अब इसके अंदर मैं 1/2 गिलास पानी डाल दूंगी, इसको अच्छे से मिक्स करके इसको 10 मिनट तक का हम ढक देंगे। ये देखिए हमारे प्याज और टमाटर अच्छे से गल गए हैं, अब हम इसको निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने प्याज और इन मसाले को निकाल लिया, अब हम इसको ठंडा करेंगे, फिर ठंडा करके हम इसको मिक्सी में डाल के पीस लेंगे अच्छा बारीक। मसाला ठंडा करके मैंने मिक्सर की जार में डाल दिया है, अब हम इसको पीस लेंगे। यहाँ पर मैंने मसाले को अच्छा पीस लिया है बिल्कुल बारीक। मैंने जो चिकन मैरिनेट किया था उसमें मैंने एक कटोरी रख दी है, अब हम इसमें स्मोकी फ्लेवर देंगे। इसमें मैंने कोयला डाल दिया है, इसमें 1/2 चम्मच में बटर डाल दूंगी, हम ढक देंगे इसको 5 मिनट के लिए। चलिए अब हम चिकन देख लेते हैं, हमारे चिकन को 10 मिनट हो गई हैं, अब हम इस कटोरी को बाहर निकाल के हमारे चिकन को अच्छे से फ्राई कर लेंगे तेल में डाल के। अब हम हमारे चिकन को फ्राई कर लेते हैं, सारा चिकन हम एक एक करके डाल देंगे इसके अंदर। 5 मिनट तक का हम एक साइड से पकाएंगे इसको। अब हम इसको ढक देंगे 5 मिनट तक के।
चलिए हम चिकन को देख लेते हैं। चिकन को हम पलट देंगे। चिकन को मैंने पलट लिया है, अब वापस इसको ढक के 5 मिनट तक का और पकाएंगे। चलिए हम चिकन देखते हैं। ये देखिए हमारा चिकन बहुत ही बढ़िया तरीके से फ्राई हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे और इसी में हम अपनी ग्रेवी तैयार करेंगे। ये मैंने वही कढ़ाई रख ली है जिसमें हमने चिकन फ्राई किया। अब हमें इसमें बटर डाल दूंगी 2 चम्मच भरकर। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अच्छे से इसको चलाएंगे। हमारा अदरक लहसुन अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसके अंदर हमारा जो पेस्ट था वो डाल देंगे। अच्छे से हिलाएंगे इसको। अब इसमें जो मैंने चिकन मैरिनेट किया था उसका मसाला बचा था वो भी हम इसमें डाल देंगे। अच्छे से पोंछ के और इसके अंदर डाल देंगे हम पूरा। अब इसमें हम आधी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, एक चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे, एक चम्मच भरकर कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे। अब इसमें हम आधी चम्मच भर के पिसा हुआ गरम मसाला डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसमें 1 चम्मच नमक डाल दूंगी। अब हम इसको अच्छे से मिला के और 5 से 6 मिनट तक का अब हम इसको ढक देंगे। अब इसको हम 5 मिनट तक के पकने देंगे। देखिए हमारा मसाला अच्छे से पक चुका है। यहाँ पर हम फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे क्योंकि इसके छींटे बहुत उछलते हैं हाथ में। अब इसके अंदर हम चिकन डाल देंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे कसूरी मेथी। और इसके अंदर हम अमूल की फ्रेश क्रीम डाल देंगे थोड़ी सी। अब इसको हम ढक देंगे अच्छे से। इसको ऐसे ही हम पकने देंगे इसको 5 मिनट तक का बिल्कुल लो फ्लेम पे। अब हम हमारे बटर चिकन में एक बार और स्मोकी फ्लेवर देंगे। यहाँ पे मैंने कटोरी में कोयले डाल दिए हैं। अब इसके ऊपर मैं डाल दूंगी बटर। 10 मिनट तक का अब हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। चलिए देखते हैं हमारा चिकन तैयार हुआ या नहीं। ये देखिए हमारा बटर चिकन बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर हम कोथमीर डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए लाजवाब सा बन के तैयार है हमारा बटर चिकन। आप ज़रूर एक बार मेरी तरीके से बना के देखिएगा, फिर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। देखिए बनके तैयार है हमारा लजीज सा बटर चिकन। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मुझे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।